अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मेरे को नहीं आ रही है नींद, बिकॉज टुडे इज़ द डे जिस दिन मैं अपनी फर्स्ट कार की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। और थैंक्स टू ऑल शुभचिंतक्स ऑफ माइंड, बिकॉज मैं बहुत टाइम से कार लेने की सोच रहा था, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मैं नहीं ले पा रहा था, कुछ ना कुछ विपत्ति आ जा रही थी। बट इट्स ओके, अब कुछ टाइम से सही टाइम चल रहा है, तो आई थॉट कि अब ये टाइम सही है कार लेने के लिए, तो मैंने बुक करवा दिया। अब डिलीवरी लेने जा रहा हूँ और मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। एक्साइटमेंट के बारे में मैं इंट्रोडक्शन भी देने भूल गया, सो हेयर इट इज़। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सुशांत, अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुशांत नैनवाल व्लॉग। एंड आई नो कि व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है, बट मैं कहीं व्यस्त था किसी कामों में और थोड़ा स्वास्थ्य ने भी साथ नहीं दिया, बट इट्स ओके। अब से रेगुलर व्लॉग लाने की कोशिश करेंगे और अब तो कार भी आ रही है, अब जो व्लॉग्स की क्वालिटी होगी और जो व्लॉग्स में चीजें कवर होगी वो थोड़ी सा एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। 6.5 hours later हमेशा की तरह मैं आज भी हो चुका हूँ बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि मैं 5 मिनट का नैप लेने गया था और लेके आया मैं 5 घंटे की नींद। बट इट्स ओके, अपने शोरूम में डिलीवरी 1-2 घंटे डिले भी हो जाएगी। और आज जिस कार को लेने में जा रहा हूँ उसका कलर है व्हाइट, और मैंने भी शर्ट का कलर पहना है व्हाइट, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट। तो अब भैया भी आ चुके हैं और मम्मी भी रेडी हो चुकी है, और मैं तो रेडी हो ही गया था सबसे पहले। और अब प्लान ये कि अभी हम जा रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए, और पापा हमें वहीं पे मिलेंगे ऑटो के सामने, फिर ऑटो पकड़ के हम जाएंगे शोरूम से निकालेंगे कार, फिर कार लेके जाएंगे मंदिर उसकी पूजा करवाने के लिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। क्यों भैया? कैसा लग रहा है आज? सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे प्लान तो पैपलो को भी लेके जाने का था, बट हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे हंगामा मचा देगा थोड़ा शैतान है इसलिए। और मम्मी चले, चलो अब सब रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं, सो लेट्स गो। शोरूम पहुंच कर हम करते हैं सबसे पहले कार चेक, फिर उसके बाद हम लगाते हैं बजरंग बली की एक फोटो कार के डैशबोर्ड में, देन मैं बचे हुए पेपर वर्क करता हूं कंप्लीट। उसके बाद हम कार लेने की खुशी में कट करते हैं केक जो कि हमें कंपनी की तरफ से मिला था। तो अभी हम शोरूम से कार लेके सीधा पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल पंप से हमने 25 लीटर पेट्रोल डलवा दिया। 25 लीटर डलवाया ना? हाँ, 25 लीटर डलवा चुका है। और अब हम निकल रहे हैं सिद्धबली की तरफ और कार ड्राइव कर रहे हैं, पापा और उनके साथ आगे बैठी है मम्मी। और भाई i20 बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, और कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है। ये कार अभी एक चीज़ के बिना अधूरी, और वो चीज़ है ये चश्मा। ये चश्मा स्पेशल मैं इसलिए लाया था कि जब कभी कार आएगी तो मैं उसके अंदर बैठ के पहनूंगा। क्यों भैया? भैया को तो पता है कि कितने साल पहले लिया था। क्यों? अब भैया को मैंने 3 साल पहले लिया, और उस टाइम मैंने भैया को यही बोला था कि भैया जिस दिन कार आएगी उस दिन पहन के निकलूंगा इसे। क्यों भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये चश्मा भी मतलब ऐसे नहीं है, रे बैन का है, काफी मतलब एक्सपेंसिव लाया था मैं उस टाइम की। मैंने बोला जब महंगी गाड़ी आएगी महंगा चश्मा पहन के निकलूंगा। क्यों भैया? सही कह रहे हैं। और अब लग रहा है कि हाँ भाई बैठ के घूमने, फुल एसी चला रखा एकदम ठंडा ठंडा, अपना कंफर्ट में होके जा रहे हैं। वैसे एक बात है भैया, कार बजाने में कार का ही मजा है, नहीं एसी वेसी चला के अपना फुल कंफर्ट। बाइक में वो मजा नहीं है, धूप लगती रहती है कभी खोपड़ी में कभी कहीं, वो तो है। खैर जय श्री राम, सिद्धबली पहुंच चुके हैं, और ये है सिद्धबली, गाड़ी से उतर रहे हैं। ये है सिद्धबली के एंट्रेंस, और कुछ समय से सिद्धबली का गेट टूटा हुआ है। जो सिद्धबली के नज़ारे हैं वो 10/10 है, और यहाँ पे हर जगह वॉल पेंटिंग हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मंदिर में जाने से पहले मैं सबसे पहले एक नारियल फोड़ता हूँ। राम जी का नाम तो मैं अपना पर्सन हो जाऊंगा। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जय श्री राम बोलो, मैं अपना पर्सन हो जाऊंगा। हनुमान जी खुश रहते श्री राम का नाम लेने से, इसलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कोई बात नहीं, यहाँ पे है कुछ ऐसा नज़ारा। ये
अब हम मंदिर से एक पंडित जी को ले चलते हैं अपने साथ कार की पूजा करवाने के लिए, ताकि हमारी कार में किसी की भी नजर ना लगे। पूजा खत्म करने के बाद हम जाते हैं वापस से मंदिर में भंडारा ग्रहण करने के लिए। फिर फटाफट से भंडारा ग्रहण करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने गाड़ी की तरफ वापस। तो अब हम सिद्धबली से निकल चुके हैं, अभी हम वापस घर जा रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। वो तो ठीक, हम कार में हैं, कार में फुल एसी चल रहा है, फुल कंफर्टेबल है। क्यों भैया कार में तो मज़ा आ रहा है? क्यों मज़ा आ रहा है? बस ये कि मयंक के आने का इंतजार था। वैसे मैं पहले अल्ट्रोज लेने वाला था, पर ठीक हुआ मैंने i20 ले ली, क्योंकि जो प्रीमियमनेस इसमें वो उसमें नहीं थी। वैसे आज पार्टी बहुत ज्यादा भयंकर होती अगर मैं यहाँ पे होता। क्यों भैया? सबसे बड़ी बात, रात के बाद का पहला ट्यूसडे प्लस उसके साथ का ये नवरात्र है, पहला नवरात्र में मंगलवार आ रहा है। हाँ, और रात के बाद का पहला मंगलवार है। अभी हमें हनुमान जी के यहाँ भी चली गई थी मंदिर में, अभी आ चुकी है। अब हम वहाँ के बाद सीधा खर्च अभी हम जा रहे हैं हॉट एंड कोल्ड। वो अब हॉट एंड कोल्ड से मिठाई पैक करवा के हम फटाफट से जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें घर के लिए हो रही है बहुत ज्यादा लेट। आज का दिन यादगार रहेगा क्योंकि आज पहली गाड़ी है मेरी। क्यों भैया? भले लाइफ में कितनी भी गाड़ियां निकाल लूं, कितनी बड़ी से बड़ी निकाल लूं, पर आज का दिन की जो खुशी है वो और दिन उतनी नहीं मिल पाएगी। और दिन मिलेगी पर आज की जितनी नहीं मिल पाएगी। क्यों भैया? आज फर्स्ट गाड़ी है ये। वैसे पापा के पास बहुत गाड़ियां थी। हाँ, पापा के पास तो बतेरी गाड़ियां थी, पर ये मेरी पहली गाड़ी है। क्यों भैया? मेरी और मेरे भाई की पहली गाड़ी है। सुशांत मयंक की पहली। हाँ, और बाकी आज था भी ट्यूजडे, इतना शुभ शुभ दिन था। अरे मेरे राशि का कलर है पीला और मुझे टॉवल भी पीला मिला और ऊपर से हनुमान जी की फोटो भी मिल गई, जो कि हम लेने की सोच रहे थे। क्यों भैया? खुद ब खुद मिलती गई। अब सुशांत के पापा ड्राइविंग सीट से हट चुके हैं, अब सुशांत बैठ चुके हैं, अब सुशांत बताएगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। क्यों पापा? काफी अच्छी राइड करी मैंने, पर पापा को अच्छी लग नहीं रही, ये आगे देखा समझ आ नहीं रहा। और कार चलने तो एकदम मक्खन है, बहुत बढ़ती लगा मेरे को इसमें पैसे डालना। i20 इसका कोई मैच नहीं है किसी भी हैचबैक के साथ। अब हमने सारी गाड़ियां अपनी बाहर निकाल चुकी है और अब यहां पे कार पार्क होगी। आराम से आराम से आराम से। ओए अंदर ले चलो से। अबे अंदर बैठा दो से। और रुक जाओ, बाप रे अंदर बैठा दो से। रुक जाओ रुक जाओ, वो पिचके ना तू इधर। अरे तिब्बू भी खुश हो गया अगर नई गाड़ी देख के। फाइनली घर में गाड़ी खड़ी हो चुकी है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो चुकी है भाई, मजा आ गया। क्यों भैया मजा आ गया ना? बहुत मजा आ गया। आज के व्लॉग हम इतने रखने वाले, बिकॉज आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं घर पे बैठ के सिर्फ आराम करूंगा और सोऊंगा। एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।